हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फ्यूज़न विद इंदु। आज हम बनाएंगे मटर का पुलाव, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिए हैं 2 कप बासमती राइस और इन्हें पानी से अच्छी तरह 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। राइस को वॉश करने के बाद पानी डालकर 20 से 25 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। 20 से 25 मिनट बाद राइस अच्छे से पानी में फूल चुके हैं, तो इसके पानी को निकाल देंगे। अब लेंगे एक प्रेशर कुकर और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या देसी घी। घी गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ता, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 18 से 20 2 पीसेस में कट किए हुए काजू और इन सभी खड़े मसालों को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 कप हरी मटर। इन्हें भी अच्छी तरह फ्राई करके सोक किए हुए राइस इसमें मिक्स कर देंगे। राइस को भी हम लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से मटर के साथ चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 3 कप पानी। पानी उसी कप के मेज़रमेंट से लेंगे जिससे हमने राइस लिए थे। पानी डालने के बाद एक बार फिर से मिक्स करके प्रेशर कुकर की लिड लगाकर रख देंगे और हाई फ्लेम में 1 विसल आने देंगे। एक विसल आने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर की लिड को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि कुकर का प्रेशर खुद से रिलीज ना हो जाए। जब कुकर से प्रेशर निकल जाए तो कुकर के लिड को खोलकर चेक करेंगे। देखिए मटर का पुलाव कितना अच्छा बना है, इसका एक एक चावल खिला खिला है। अब इसे सर्विंग के लिए डिश में निकाल लेंगे। इसे आप चाहें तो धनिया पत्ती से गार्निश कर सकते हैं। मटर के पुलाव को आप छोले, हरी चटनी और दही किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।